क्योंकि स्ट्रक्चर में छोटी सी भी गलती साउथ किस तरफ है और यहाँ पे ग्रूव होता है। एंगल जो है उसके निकालने का तरीका ये है, दो तरह के स्ट्रक्चर आ गए L1, L2, L3, L4। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे 24 डिग्री रखना वो रिकमेंडेड नहीं होते, हमें वो एंगल मिले। इसके ऊपर आप देखें अल्फा जो आपको एंगल वो बता देना कि आपका एंगल बनेगा 15.25 डिग्री का। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होने वाली है, तो अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं या इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पूरे सोलर सिस्टम की बेस होती है, बुनियाद होती है। जो आपका सारा सोलर सिस्टम है इसकी इन्वेस्टमेंट आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सोलर खुद से लगवाने में और किसी कंपनी से लगवाने में क्या फर्क आता है, तो क्योंकि मैंने खुद लगवाया था सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था, लेकिन डिटेल्ड वीडियो इसलिए नहीं बना सके थे क्योंकि वो 30-40 मिनट की हो जानी थी। तो आज पहला स्टेप जो कि स्ट्रक्चर होता है उसकी डिटेल्ड वीडियो है, आपको A to Z स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले जब आपने डिसाइड कर लिया कि सोलर लगवाना है तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल और डायरेक्शन। अब सबसे पहले आपने देखनी है प्लेट्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। आपको देखना है कि आपकी छत पे या जहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर इंस्टॉल करा रहे हैं वहाँ साउथ किस तरफ है। अब जो साउथ है वो मेरे इस तरफ है, ठीक है, और जो सूरज है वो वहाँ से निकलता है और यहाँ पे ग्रूब होता है, तो यानी कि जो डायरेक्शन है वो हमें मिल गई साउथ की। ये आप देख सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं इनकी डायरेक्शन साउथ की तरफ है। इसके बाद आ गया एंगल। एंगल जो है उसके निकालने का तरीका ये है कि हर सिटी का, हर लोकेशन का जो लैटिट्यूड है वो डिफरेंट होता है, और वो लैटिट्यूड आप अपना सिटी का, अपनी लोकेशन का मैप से अगर निकाल लें तो उसके बाद आपको +15 उसमें करेंगे तो विंटर्स का आ जाता है और -15 में समर्स का निकल आता है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इसमें मंथ वाइज हर मंथ का जो एंगल बनता है लाहौर के हिसाब से वो इसके ऊपर शेयर किया गया है। तो जब एंगल फाइनलाइज करना होता है उसमें हम देखते हैं एवरेज क्या है, और एवरेज में हम माइंड में रखते हैं जो पीक टाइम होता है ना, जैसे गर्मियों का टाइम हो गया सितंबर अक्टूबर तक, इसको माइंड में रखते हुए हम एक एवरेज एंगल निकाल के फाइनलाइज करते हैं, जो कि लाहौर का अगर देखें तो वो 23-24 डिग्री बनता है। तो अब हम लाहौर की ही एग्जांपल लेते हैं, 24 डिग्री हमारे पास एवरेज आ गई पीक मंथ्स को माइंड में रखते हुए। अब थोड़ा इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर आ गए, एलिवेटेड नॉन एलिवेटेड। नॉन एलिवेटेड में जो ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है L1, L2, L3, L4 चल रहा है। अगर आप L1, L2, L3, L4 रखते हैं तो उसमें आपको यही जो एंगल आपका निकला है ना 23-24 डिग्री, यही रखना बेस्ट है। और हाँ, जो आपके L1, L2, L3, L4 स्ट्रक्चर्स हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, आप इनको मंथ्स के हिसाब से जैसे जैसे एंगल चेंज होता है आप इनका जो एंगल है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा स्ट्रक्चर जो एलिवेटेड है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे 23 या 24 डिग्री रखना वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि हाइट की वजह से हवा का प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए जो एक आम तौर पर चल रहा है ना लाहौर के अंदर वो 15 से 17 डिग्री चल रहा है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो अब वापस आते हैं कि एंगल जो 23-24 डिग्री निकला था, एंगल तो हमें पता लग गया आपने लेटिट्यूड से निकाल लिया, लेकिन उस एंगल के लिए हमें जितने आपके पोल हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि हमें वो एंगल मिले, उसके लिए वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट है calculator.net, इसके ऊपर आके आपने अपनी जो बेस है ना, ये अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो ये बी लिखा हुआ है, बी के ऊपर आपने हमारी जो बेस थी जो अभी स्ट्रक्चर मेरे पीछे है ये 22 फुट की है, ये आपने एड ऑन कर दिया। अब अगर तो आपके हाइट का डिफरेंस, अगर आपका पिछला पोल 13 फीट पे है और आगे वाला 7 फीट पे है, तो डिफरेंस 6 फीट का है, वो आपको ए में इनपुट करना है और आपको कैलकुलेट कर देना है। इसके ऊपर आप देखें अल्फा जो आपको एंगल वो बता देना कि आपका एंगल बनेगा 15.25 डिग्री का। इसी के उलट अगर आपको डिफरेंस नहीं पता कि आपको कितना हाइट का डिफरेंस रखना है, तो आपको बेस पता है अपनी कि आपके पहले और लास्ट पोल में कितना डिफरेंस है 22 का, और डिग्री आपको रिक्वायर्ड है 17, ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है। ये आपको ए की वैल्यू बताएगा कि आपके जो दोनों पहले और लास्ट पोल में जो हाइट का डिफरेंस है वो 6.7 होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले लें तो अगर आपका फ्रंट वाला पोल 10 फीट का है तो आपका जो आगे वाला पोल है जहाँ पे फिनिश हो रहा है स्ट्रक्चर वो 3.3 फीट का होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के मटीरियल में। L1, L2, L3, L4 का मैंने आपको बता दिया। एलिवेटेड में आए तो दो जो स्ट्रक्चर्स के मटेरियल हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं, जिसमें एक है गार्डर और दूसरा है पाइप।
उसको आप पाइप कह लें या पोल कह लें। इसमें जो ज्यादा मजबूत और जो रिकमेंडेड है वो गार्डर है, लेकिन ऑफ कोर्स गार्डर में और पाइप और पोल में प्राइस का डिफरेंस आता है, लेकिन आपको मजबूती भी अच्छी खासी ज्यादा मिलती है। अब चाहे आप गोल पाइप लगवा रहे हैं या स्क्वेयर शेप में लगवा रहे हैं, उसमें गेज होते हैं, जितना ज्यादा चादर मोटी होती जाती है उतने ज्यादा गेज कम होते जाते हैं, उल्टा हिसाब है, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, लेकिन इसमें इस तरह सही है। तो अगर तो आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं और बहुत ज्यादा मजबूती चाहते हैं देन गार्डर बेस्ट है, लेकिन अगर आप पाइप की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा बजट का इशू है, तो उसके लिए ये है कि 16 गेज तो एक स्टैंडर्ड चल रहा है, अगर आप 14 कर लेते हैं ना तो वो मजबूती ज्यादा देगा और उसमें आपके पास बेंड होने के चांसेस कम होंगे। अब एंगल भी आपने डिसाइड कर लिया, एलिवेटेड या नॉन एलिवेटेड भी आपने डिसाइड कर लिया, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अक्सर जो नॉन एलिवेटेड L1 L2 L3 L4 वाले स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर क्या होता है कि बाहर आपको लगता है कि छत पे जो है वो ना साइड पे कोई ममटी या कोई स्टोरी ऊपर नहीं है साथ वाले घरों की, तो धूप सारी पड़ेगी, लेकिन जो 9 से 3 का या 10 से 2 का इस तरह का जो पीक टाइम होता है उसमें तो सूरज बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो वाकई नहीं पड़ती, लेकिन जब लंबे शेडो आते हैं सूरज के उस टाइम पे प्लेट्स पे काफी चांसेस होते हैं शेडो पड़ने के। इधर पीछे जो सेटअप लगा है इसमें भी यही चीज हो रही थी कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवा रहे थे लेकिन जो स्ट्रक्चर वाला आया था उसने जो एंड है ना वो 4 फीट हाइट पे गया था, तो अगर आप वहां पे देखें तो ये जो ममटी है ना इसकी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ये जो आखिरी लाइन है ना इसके ऊपर शेडो पड़ जाता था, जिसकी वजह से अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1.5 से 2 यूनिट बनते हैं लेकिन या 3 यूनिट बनते हैं, लेकिन अगर आप मंथ पे देखें तो 100 यूनिट का आपको लॉस हो रहा है। तो वो लॉस हम क्यों करें जब हमने प्लेट्स पे भी खर्चा कर दिया, सब पे खर्चा कर लिया, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना सिर्फ एंगल बल्कि जो आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर की हाइट देखें उस पर आप तसल्ली कर लें कि सारा दिन उस पर धूप पड़नी चाहिए। अच्छा, अब आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, सारा कुछ हो गया, अब इस पे जो पेंट है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मली स्ट्रक्चर वाले हैं ना ये फिटिंग करने से पहले सारा स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले पेंट करते हैं, लेकिन जब ये वेल्डिंग वगैरह करते हैं, नट वगैरह लगाते हैं, कोई सुराख करते हैं, तो जंग वाली जो जगह होती है ना वो रह जाती हैं। ये लगाने के बाद भी पेंट करते हैं लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना मगरों लाया है, ये वो वाला काम करते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है। और अभी बरसात का मौसम है तो आपको पता है बारिशें वगैरह होती हैं, जंग लगने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आपने ये काम करना है कि या इन्हीं को पकड़ के रखें, जाने ना दें, या फिर आप इनके जाने के बाद के इसको तसल्ली से अच्छी तरह पेंट करवा लें। अच्छा, पेंट भी हो गया, स्ट्रक्चर भी लग गया, सारा कुछ हो गया, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी पैडिंग या बेस कह लें। जैसे सोलर सिस्टम का सारा जो बेस है वो आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही होती है उसकी मजबूती, इसी तरह आपके स्ट्रक्चर की जो मजबूती है वो उसकी बेस जो कि ये पैडिंग है इस पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, बेस या पैडिंग के अंदर 2 तरीके होते हैं, या तो ये छत के अंदर सीधी ड्रिल करते हैं और उसमें फिक्स करके स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। बात फिर वही है कि जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, आपको जब ज़्यादा एक्स्ट्रा मजबूती मिल रही है। आपने क्या करना है, छत को कटवाना है, इसके लेंटर में कटिंग करवा के उसके अंदर आपको लोहे की प्लेट रखवानी है, उसको रावल बोल्ट से फिक्स करना है, उसके बाद 1500 की एपॉक्सी ग्लू मिलती है वो उसके अंदर डलवानी है, उससे क्या होगा इंसुलेशन बेहतर होती है, रिसर्च की है, इससे आपके बेस के अंदर जो है वो पानी नहीं जाता, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपने वो जो लोहे की प्लेट है उस पर ये सारा गार्डर वेल्ड करवाना है एंड देन बेस को फिल करना है और उसके ऊपर ये ब्लॉक बनाने हैं। अब ये ब्लॉक्स का भी इस तरह है कि वैसे ही ये जो स्टैंडर्ड चलता है वो फुट बाय फुट का चलता है एलिवेटेड में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइट तकरीबन 13 फुट की आ गई थी जिसकी वजह से हमने इसको 1.5 फुट का ब्लॉक रख लिया। अच्छा, आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइस डिफरेंस के ऊपर। ये जो गार्डर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसकी स्टार्टिंग हाइट 13 फुट थी और जो लास्ट वाले पेरन है वो 7 फुट की हाइट के थे। इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो आई है 1,85,000। यही सेम चीज़ अगर आप पाइप के साथ जाते हैं, 16 गेज का पाइप हम एज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी ना सेम स्ट्रक्चर की वो तकरीबन 1,35,000-40,000 के अराउंड पड़ेगी। अच्छा, अब आपने अपनी तरफ से तो सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर लगवा लिया, दैट्स फाइन, लेकिन आपने वो हदीस सुनी होगी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा था कि तुम अपना ऊँट पहले बांधो फिर अल्लाह पे यकीन रखो। तो ये सब तो वो चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, इसमें हम अपना मैक्सिमम पुट करें। बाकी जब आंधी तूफान आना है और अल्लाह का अगर हुक्म होना है ना तो 18 गेज का पाइप भी बच सकता है, पाइप वाला स्ट्रक्चर, और अगर उड़ना है तो फिर गार्डर क्या, तो
क्या कोई भी चीज उड़ सकती है। तो हम अपना ही बेस्ट दे सकते हैं, वो हमने दिया है। ये जो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस की, ये आप यकीन करें, ये जो आम लोहे वाले हैं ना, इनको इस चीज की टेक्निकलिटीज नहीं पता। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी लोहे का एक डिफरेंट किस्म का काम किया होता है। ये जो सोलर के स्ट्रक्चर में एंगल्स वाली चीज है, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी होती है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, हमने चीज़ों को राइट डाउन नहीं किया था। उन्होंने अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर जेन में रख के गलत एंगल पे बना रहे थे, थोड़ी सी मुंह मारी भी। ये सिर्फ आपको बताने का ये पर्पस है कि जो एंगल वाली, अगर आप खुद करवा रहे हैं सारा काम, तो ये आपको खुद करना है। और उनको हाइट फ्रंट से कितनी होनी चाहिए, बैक से कितनी होनी चाहिए, एंगल क्या रखना है, ये सब आपने उनको खुद बताना है। उन पे रहेंगे तो वो आपको तसल्ली ज़रूर देंगे, लेकिन आपको जैसे बताया कि एक दिन में अगर आपके 3-4 यूनिट भी कम बनते हैं, तो आपको मंथ के ऊपर 100-150 यूनिट का घाटा हो जाएगा। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो आपने सीखा होगा, जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्लेट्स के ऊपर आएंगे, प्लेट्स में क्या क्या दो नंबरी है, प्लेट कहाँ से सस्ती मिलती है, कौन कौन सी प्लेट्स की टाइप्स है और उसमें से कौन सी लेनी चाहिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे प्लेट्स वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।